तो गाइज आपने हैदराबादी चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और अंडा बिरयानी की मेकिंग काफ़ी बार दे रखी होगी। आज आपको दिखाते हैं हैदराबादी फिश बिरयानी की मेकिंग, जो आपने कभी इंटरनेट पर नहीं देखी होगी। सबसे पहले एक बड़ी मशीन में अनियन को स्लाइस करा जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अनियन यूज़ होता है तो मशीन का ही सारा लिया जाता है। जब एक बार ढेर सारे अनियन कट जाते हैं, स्लाइस हो जाते हैं, तो उसको गोल्डन ब्राउन यानी बरिस्ता बनाया जाता है। ये प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको गोल्डन ब्राउन करने में। एक बार आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो वो गार्निश में भी जाते हैं और मेन बिरयानी की मैरिनेशन में भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जितने भी प्याज हो गए उसको साइड रख दिया कि उसमें से उसका जो एक्सेसिव घी है वो बाहर निकल जाए। और सेम तेल में इन्होंने जो मैरिनेटेड फिश है उसको तल लिया है। तलने के बाद इन्होंने इस फिश को एक देग में रखने के बाद जो इनका बरिस्ता उन्होंने पतीले में लिया उसमें ये डाल रहे हैं चावल का पानी, उसमें मिला रहे हैं दही और ये काफ़ी सारे दही मिला रहे हैं। उसमें ये डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऊपर से कोरिएंडर डाला है। इनके पास प्री मिक्स अपना मसाला पड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी सारे मसाले होते हैं बिरयानी के जो डलते हैं, प्री मिक्स करके इन्होंने नाप के डाल रहे हैं। मेजरमेंट अपने हथेली से ले रहे हैं, ना यहाँ पे टेबल स्पून है, टी स्पून है, हथेली स्पून में डाला इन्होंने लाल मिर्च, हथेली स्पून में इन्होंने डाला नमक, हथेली स्पून में डाला इन्होंने हल्दी, हथेली स्पून में डाला इन्होंने कोरिएंडर पाउडर, और इन सबको उसी हथेली से इन्होंने मिक्स कर दिया। देखो दिखने में आपको काफ़ी अनहाइजीनिक लग रहा है लेकिन सारी बिरयानी ऐसे ही बनती है, और जब बनती है तो सारा का सारा जब एक कुकिंग टेम्परेचर पहुँचता है तो वो सब धुल जाता है। अब ये ले रहे हैं चावल बॉईल करने के लिए, इन्होंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है पानी के अंदर, नमक डाल रहे हैं, इसमें मिर्च डाली है, इसमें गरम मसाला डाला है, खड़ा मसाला, और चावल डाल दिया। तो चावल की फ्लेवरिंग हो गई है, चावल को बॉईल करेंगे एक पर्टिकुलर लेवल तक। तो अब सबसे पहले इन्होंने जो मसाला बनाया था उसको निकाल लिया है, उसके ऊपर इन्होंने गर्मा गर्म जो चावल का स्टार्च वाला पानी है वो डाला है, इसको थोड़ा सा थिक कर लिया। अब इसको ये जो फ्राइड फिश है उसके ऊपर डाल रहे हैं और ये दो तीन जगह एक साथ बनती है, तो देखो दो तीन जगह देगा। अब यहाँ पे डाल रहे हैं देसी घी। देसी घी के बिना हैदराबादी बिरयानी इनकम्प्लीट है, काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस आता है। अब जो इनके 30-40% चावल बन गए हैं उसकी लेयरिंग कर रहे हैं इस हांडी में। ढेर सारी हेयरिंग करने के बाद इसमें डाल रहे हैं ऊपर से धनिया, देसी घी, और उसके ऊपर से इन्होंने बंद कर दिया है, उसको दम लगा के पकाएंगे। अब ये बिरयानी पक चुकी है। बिरयानी पकने के बाद भी सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि इसको काटे कैसे। अगर गलत तरीके से काट ली तो आपकी जो मछली है वो घुल मिल जाएगी, तो काटना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और खाने में ये फिश बिरयानी हो क्या कहने, हैदराबाद जाओ तो इस लोकेशन में ज़रूर जाना हैदराबादी दम फिश बिरयानी खाने के लिए। तो ऐसे बनती है अमेजिंग हैदराबादी फिश दम बिरयानी।